मेरे प्यारियो, प्रभु येसु मसीह दे नाम विच तुहाडा स्वागत करदा हाँ। मेरे पिछे जो जगह तुसी वेख रहे हो वह बहुत सुंदर है, पर यह की है जानते हो? ये सियोन पहाड़ है जिथे यरूशलम स्थित है, तो गुलगत्था पहाड़ भी इत्थे ही है। जैतून का पहाड़ है, स्कोपस पहाड़ है, तो सियोन पहाड़ है। तो इस तरह टैंपल माउंट भी इसे जगह पर है जिथे यरूशलम का मंदिर है। पांच तरह के पहाड़ हैं, तो जो तुसी वेख रहे हो वह सियोन पहाड़ है। इस जगह पर उपरी कोठड़ी भी है। ये उही जगह है जिथे येसु मसीह ने अपने चेलियां दे नाल आखरी प्रभु भोज किया सी। उन्हां कमरियां नूं तुसी इत्थे वेख सकते हो। अज भी वह सारे कमरे उस जगह पर स्थित हैं। तो यो वो जगह है जिथे येसु मसीह के 120 चेलियां ने मिलके प्रार्थना की। रसूलों के करतब 2 अध्याय च जिस कमरे में पवित्र आत्मा उंडेलिया गया, ये उही जगह है। तो इस जगह उत्ते पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया सी, 3000 लोग बचाए गए सन। तो इस करके ये जगह बहुत ज़्यादा खास है। उही जगह तुसी इत्थे वेख रहे हो। जदों इत्थों वेखदे हाँ तो यह नज़ारा बहुत सुंदर विखाई दिंदा है। ये जगह जिथे मैं खड़ा हाँ प्रभु ने साडे लई दित्ती है। सारी दुनिया की बेदारी वास्ते दुआ करनी है, इसलिए यह जगह प्रभु ने किराए ते दित्ती है। यह बहुत सुंदर जगह है, तो इस जगह ते रुकण दा भी प्रबंध है। प्रार्थना करन वास्ते वक्खरा कमरा है। यह जगह हुणे हुणे असीं किराए ते लई है। प्रभु दे कुछ बच्चियां ने साडे नाल वादा कीता है कि वह इस जगह ते आके हर दिन बेदारी वास्ते प्रार्थना करनगे। बेदारी आउण वास्ते हर दिन इसे जगह तों प्रार्थना होवेगी, ठीक है? सो आओ वेखदे हाँ कि परमेशर अज अपने वचन चो सानू की कह रहा है। जबूरां दी पोथी 62 अध्याय ते 2 आयत। एक भगत अपना तजर्बा दस रहा है, अते ओ कहिंदा है, ओहो ही मेरी चट्टान अते मेरा बचाओ है, ओ मेरा उच्चा गढ़ है, मैं बहुता ना डोलांगा। इसका मतलब है वह कहिंदा है मैं हमेशा स्थिर रहांगा। कई बार असीं डोल जांदे हाँ ते किसी समस्या करके अक्सर कहिंदे हाँ मैं उत्थे थोड़ा जिहा डोल गया सी। काम विच जां पढ़ाई विच कोई समस्या आ जावे जां किसी भी तरह की कोई परेशानी आउण करके असीं डोल जांदे हाँ। कई बार असीं हिल जांदे हाँ अते मन विच डर लगता है कि मैं डिग जावांगा, मैं बर्बाद हो जावांगा। इस तरह के कई डर हैं। शायद तुसीं भी अपने जीवन विच इस तरह डरे हुए हो ते सोच रहे हो मैं इन्नी ज़्यादा परेशानी विच हाँ, की करना है तुहाड़ी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे समय ते तुसी अपना पूरा भरोसा परमेश्वर ते रखना है। परमेश्वर दा जन कहिंदा है वह मेरी चट्टान है, उही मेरी मुक्ति दा गढ़ है, मेरा भरोसा है, अते उही मेरा सब कुछ है। जेकर तुसी ये कहोगे परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मेरी चंगाई, मेरा बल, मेरी मुक्ति है, जेकर ये कहोगे तो कोई भी परेशानी तुहाडे नेड़े नहीं आवेगी, ते किसी भी गल करके डोलोगे नहीं। कई बार इस तरह जरूर हुंदा है, परेशानियां जरूर आउणगियां, क्योंकि असी सारे ही इंसान हाँ ते स्वर्गों उतरे हुए कोई स्वर्गदूत नहीं हाँ। इसलिए कुछ परेशानियां कुछ दुख भी जरूर आउणगे, ते सानू लगेगा कि असी डोल रहे हाँ, उन्हां करके जीवन थोड़ा जिहा हिल भी जाएगा। थोड़ी देर लई इस तरह लगेगा, पर उस दिन तो बाद, थोड़ी देर तो बाद प्रभु सारा कुछ ठीक कर देवेगा। जिहड़े परमेशर उत्ते भरोसा नहीं रखते, वह अपने जीवन में आने वाली परेशानियों बारे, दुखों बारे, मुसीबतों बारे हर समय सोचते रहेंगे। उन्होंने दिल में इस तरह का डर ते घबराहट हर समय उन्होंने सता रहेगा। पर जे कोई ये कहता है कि मैं परमेशर ते भरोसा रखांगा, मेरी आस, मेरा भरोसा, मेरी मुक्ति, मेरी चट्टान उही है, तो किसी भी तरह की दुख या परेशानी च डोलेगा नहीं, तो उसकी आस हमेशा कायम रहेगी। कि अज तुसी परेशान हो, डोल रहे हो, अज अर्पण करना है। हे प्रभु, तू मेरा सब कुछ है, मैं तेरे उत्ते भरोसा रखदा हाँ, इस तों बाद मैं कदे नहीं डगमगावांगा। जेकर तुसी ये कहोगे तो अज ही तुहाडियां सब परेशानियां, दुख, मुसीबतां दूर हो जाणगियां। प्रभु दे उस जन दे वांग असी भी कहांगे, हे प्रभु, तू ही मेरा बचाओ है, तू मेरी पनाहगाह है, तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा छुटकारा देण वाला है।
मैं कदे भी नहीं डोलांगा क्योंकि तू सदा मेरे नाल रहंदा है। तू ही मेरी सुरक्षा है, तू ही मेरी मुक्ति है। येसु दे नाम विच आमीन आमीन।